नहीं, बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। और बड़ा तकलीफ हुआ जैसे पता चला, हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट, एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका, और जान लीजिए कि ये सब ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, और काफी और अब काफी लोग हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको नहीं पता। हम तो आए, बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सवाल कर रहे हैं। गलत बात बीजेपी कह रही है, कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं, जब भी आए हैं या जो भी जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के रूप नहीं, कभी नहीं, हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं।